हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरडी शर्मा का चैप्टर नंबर 19, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। देखो बच्चों, जब भी बात होती है सर्कुलर सिलेंडर की तो आपके दिमाग में ये सारी चीजें आती हैं, सर्कुलर पिलर्स, सर्कुलर पाइप्स, गार्डन रोलर, गैस सिलेंडर। तो इस तरह के सभी ऑब्जेक्ट्स आपके दिमाग में जरूर आते होंगे। इन सभी में कॉमन ये है कि इनका होता है कर्व्ड सरफेस, या फिर जिसको हम बोलते हैं लेटरल सरफेस। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है सिलेंडर। अगर मैं बात करूँ टॉप सेक्शन की तो ये आपका बनता है एक सर्कल, ओके। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जो टॉप है और बॉटम है या फिर बेस है वो आपका सर्कल की फॉर्म में होता है। अगर हम बात करें सिलेंडर की हाइट की तो जो आपका टॉप है इसका सेंटर पॉइंट और बेस का सेंटर पॉइंट, अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर ली है, तो ये होगी सिलेंडर की हाइट। और जो टॉप और बॉटम सेक्शन है ये आपका सर्कल है, तो आपको रेडियस मालूम ही होगा, तो ये है आपकी रेडियस। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, कि लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है। देखिए, लेट से आपके पास यहाँ पर एक पेपर स्ट्रिप है, ओके। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं, ओके, इस तरीके से मैं इसको कट कर दूं और इसको मैं सीधा कर दूं, तो ये आपकी जो शेप होगी वो इस तरीके से कुछ रेक्टेंगल स्ट्रिप की फॉर्म में बन जाएगी। और जब भी हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया की तो आप टॉप और बॉटम को नहीं लेते जो आपकी साइड है, क्योंकि लेटरल का मतलब ही होता है साइड। तो जो भी साइड है सिर्फ उसका एरिया आपको कैलकुलेट करना होता है। तो बच्चों, जो इसका एरिया होगा वो होगा 2πr × h। देखिए, 2πr हमने क्यों लिया है, क्योंकि यहां पर हमको लेना है इसका सर्कमफेरेंस। देखिए, ये आपका सर्कुलर फॉर्म में था, ओके, और यहाँ पे हमने ली है इसकी हाइट, तो इसलिए इसका एरिया हो जाएगा 2πr × h। अगर बच्चों हम बात करें टॉप और बॉटम के एरिया की, तो आप जानते हैं टॉप और बॉटम बनता है आपका सर्कल, और सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है πr², ओके। तो जो टॉप है उसका एरिया होगा πr², और बॉटम का भी जो एरिया है वो क्या होगा, πr². अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। देखिए, जब भी बात होती है टोटल सरफेस एरिया की तो उसमें आपको टॉप और बॉटम भी लेना है और बीच वाला पोर्शन भी लेना है। तो देखिए, इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, आपने अभी लेटरल सरफेस एरिया तो निकाल लिया, यानी बीच वाला जो एरिया होगा, ओके, इसका वो आपने निकाल लिया, वो क्या था, 2πr × h। तो आप यहां पर इसको लिख लेंगे 2πr h। अब देखिए, इसके अंदर ये जो पोर्शन था इसका एरिया आपने निकाल लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द टॉप एंड बॉटम, इसका एरिया आपने नहीं निकाला था। तो इसका एरिया था टॉप का πr² और नीचे वाला भी πr², तो ये आपको ऐड करना पड़ेगा, ओके, दैट मींस πr² + πr², ओके। ये आपका टॉप का एरिया हो गया और ये आपका बॉटम का, क्योंकि ये भी आपके सर्कल्स हैं, तो ये आपका एरिया आ जाएगा 2πr h + r। सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, और ये आपका हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर।